शादी के पहले चेकअप करना या जानकारी देना कितनी जरूरी है, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति रोग महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक माँ बाप अपने लड़की के साथ और उसके हस्बैंड के साथ हमारे पास में आया, मतलब लड़की, उसका हस्बैंड और माँ बाप, और उनका यह था कि पिछले 8 महीने से शादी हो चुकी है और 8 महीने से उसने अभी तक ये लड़की के साथ में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रखा नहीं है। जब उसको पूछा तो बोले नहीं, ये मेरे को कोऑपरेट नहीं करती, ये झगड़ा करती है, हाथ लगाने देती नहीं। बोला ऐसा क्यों करेंगी? बोले क्या मालूम, उसका स्वभाव ऐसा है, थोड़ा सा कुछ हो गया कि एकदम झगड़ा चालू कर देती, फिर मेरा मूड खराब हो जाता है, फिर मूड खराब होने के बाद मैं कुछ करता नहीं हूं। वो बोलती कि तुम हाथ लगाते नहीं, ये बोलता कि ये हाथ लगाने देती नहीं। तो ऐसे इसमें फिर प्रॉब्लम होता है, वो काउंसिलिंग के लिए आए कि अभी ऐसे हालत में करे क्या। जब उनको पूछा गया, मतलब काउंसिलिंग किया, तो ये मालूम पड़ा, मतलब लड़के को शादी के बाद में, लड़के को और लड़के के पिता शादी के बाद में मालूम पड़ा कि इसको एक टेस्टिस जो है, टेस्टिकल जो है, अंडा जो है रहता ना, तो अंडाशय जो है वो अंडाशय एक ही है, एक नहीं है। तो ये शादी के बाद मालूम पड़ा, नंबर एक। अच्छा, वो है तभी भी उसका सीमेन काउंट जो स्पर्म काउंट था, मतलब शुक्राणु, उसका क्वांटिटी बराबर था, ठीक था उसका, वो टेस्ट किया है, मगर अनडिसेंडेड टेस्टिस है उसको, एक ही था वो, और उसको जो अनडिसेंडेड था, मतलब जो नीचे अंडाशय नहीं आया था, उसको निकालना पड़ा था। अच्छा, फिर बाद में उनको मालूम पड़ा कि शादी के बाद में ये, तो ये लड़का मीठा क्यों नहीं खाता है, मीठा अवॉइड कर लेता है। उनको बोला कि भाई क्या है, क्या प्रॉब्लम? नहीं कुछ नहीं है, ऐसा वैसा कुछ बोलते। फिर बोले नहीं, हमारे टेस्ट कर लो, ब्लड के हमारे सामने ब्लड टेस्ट किया तो उसको डायबिटीज था, उन्होंने छुपा के रखा हुआ था। फिर और पूछा कि भाई ये ऐसा होता क्यों है, तो फिर उसको ऐसा है कि मालूम पड़ा कि भाई उसको सेक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था, मतलब उसको इच्छा ही नहीं थी। फिर शादी क्यों किया? बोले नहीं, मुझे है ना एक ऐसी फ्रेंड चाहिए थी कि जो मेरे साथ में बैठेंगे, अच्छी बातचीत करेंगे, मुझे तो बच्चे भी नहीं चाहिए, मेरी इच्छा भी नहीं है शादी करने की। अभी देखो ये कि ये सब देखने के बाद में फिर उनको उन्होंने और पूछा कि भाई अभी तुम शादी के बाद में सब बता रहे हो, अभी और क्या था? फिर उन्होंने कहा नहीं, मुझे जॉन्डिस भी हुआ था शादी के पहले, और करीब 1 साल भर तक मुझे, मतलब उसकी ट्रीटमेंट लेनी पड़ी, और लीवर में थोड़ा प्रॉब्लम है, मगर बाकी इसलिए भी मैं कम खाना खाता हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि शादी में ये लड़की के अपने शादी में उसके पिताजी बोल रहे हैं कि 25 लाख रुपए उन्होंने खर्चे किए, कम से कम 25 लाख रुपए खर्चे किए, बहुत धूमधाम से शादी किया। बोले हमारे गांव में ऐसी शादी हुई नहीं, ऐसी शादी की, लड़के वालों ने भी बहुत पैसे खर्चे किए, ऐसा नहीं कि उन्होंने खर्चा नहीं किया, उन्होंने भी पैसे खर्चा किए, धूमधाम से शादी हो गई। ये उनका हनीमून के लिए बैंकॉक चले गए, वहाँ हनीमून उन्होंने मनाया, और वहाँ जाने के बाद में कुछ नहीं किया, एक दूसरे को हाथ भी लगाए नहीं, सिर्फ घूमे फिरे। लड़का क्या बोल रहा है उसको, लड़की को, नहीं अभी तो अपन घूमेंगे फिरेंगे, शायद सेक्स करेंगे तो बच्चा बिच्चा हो जाएगा, तो फिर अभी अपने को बच्चा नहीं होना है। उन्हें बता रहा है कि मुझे इच्छा नहीं हो रही करके, शादी के बाद में आने के बाद में भी साथ में नहीं सो रहे। तो ये लड़का क्या करता था, कुछ ना कुछ कारण निकाल के झगड़ा करता था, लड़की को जरा गुस्सा दिलाता था, वो गुस्सा हो गई कि फिर बोलती तुम जाओ इधर झगड़ा करना है, फिर दोनों अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग सो रहे। ऐसे कैसे तभी 7-8 महीने वो निकाले अलग अलग जगह, फिर ट्रीटमेंट लेना चालू किया सेक्स के लिए, फिर मेरे पास में आए। बोले अभी करना क्या? मतलब देखो भाई, पहले आपको ये ठहराना पड़ेगा कि अपना चॉइस क्या है, आपको मतलब चॉइस क्या है। लड़की को पूछा मैंने कि अभी देखो ये आपके सामने की डायबिटीज है, अनडिसेंडेड टेस्टिस है, उसको लीवर बोलते कि उसको 1 साल पहले, मतलब शादी के पहले 1 साल तक उसको लीवर का प्रॉब्लम था, जॉन्डिस हो चुका था, उसको सेक्स करने की बिल्कुल इच्छा होती नहीं है, मगर करूंगा ऐसा बोलता है, मैं ट्रीटमेंट लेने को तैयार है। अभी आपका चॉइस है कि अभी इसके साथ में रहना कि नहीं रहना है, क्योंकि आप पहले से ही नोटिस बिटिस दे चुके हैं कोर्ट में, तो अभी आप मुझे कुछ इलाज करना है, तो कोर्ट की नोटिस जब चालू है इधर, तो ऐसा इलाज नहीं होता। पहले तय करो कि आपको कंटिन्यू करना है कि शादी है, और कंटिन्यू करना है तो आपका डिसीजन आप कहूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। बोले आप बताओ, मैं नहीं बोलूंगा, वो निर्णय आपको लेना है कि ऐसे हालात में आगे चल के कुछ हो सकता है कि हाँ बच्चे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, क्योंकि स्पर्म काउंट नॉर्मल था, बच्चे हो सकते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इच्छा होती नहीं उसको, लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर, उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कुछ तो भी बचपन में हुआ। हो सकता है कि लड़का ये 4 साल का होगा, 5 साल का होगा, 8 साल का होगा, 10 साल का होगा, कुछ तो भी मेंटल हादसा हुआ, और वो मेंटल हादसा होने से उसको एक सेक्स के प्रति घृणा बोलो या इच्छा निकल गई। मतलब भाई हम हिप्नोटिज्म करते हैं, हिप्नोटिज्म में उसको रिग्रेशन करते, पीछे 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 ले जाते हैं, और पीछे पीछे ले जाके उसका एक्चुअली क्या कारण हुआ बचपन में वो हम ढूंढ के निकालते हैं,
और वो यदि कारण निकाल देते, वो कारण वो छोड़ देगा, तो उसकी उसका इलाज मतलब उसकी सेक्स की इच्छा हो जाएंगी, हो सकती है। अब लड़की तो फिक्स में आ गई, बोले नहीं वो तो हमारा तो कोर्ट केस चालू रहेगा, मतलब ऐसा नहीं होता कि कोर्ट केस चालू है और आप इधर साथ में रहने की भी मतलब बातचीत चालू है, ऐसा होते नहीं। पहले आप डिसाइड करो कि आपको रहना कि नहीं रहना। बोले मेरी इच्छा नहीं हो रही, लड़की बोलती है, क्योंकि पहले मुझे ऐसा मालूम हमको फंसाया गया। मतलब आप फिर आए क्यों मेरे पास में, मेरे पास में आने का उद्देश्य क्या है? तो वो इसलिए आए कि उनका डोल्ड्रम में था, मतलब करना कि नहीं करना, टू डू और नॉट टू डू, अभी भी पक्के नहीं थे, मतलब आपको पहले पक्का करो। बोले फिर हम विचार करते सोचते हैं। लड़के बोला आपकी इच्छा है इलाज करने की? बोले मैं भी सोचता हूँ। बोले देखो आप अभी भी सोच रहे मेरे पास में आने के बाद में कि भाई साथ में रहना कि नहीं रहना, पहले आप सोच लो बाद में आ जाना। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि शादी के पहले लड़की कैसी है, उसकी चाल चलन कैसी है वो देखो, उसके साथ उसको बीमारी है क्या। आजकल तो हम इतने फ्रैंक और फ्री हो गए, तो हमने पूछना चाहिए कि भाई आपकी रिपोर्ट्स निकालो, कुछ है क्या, तो कहीं हम कहीं कहीं से कहीं हम ये कर सकते हैं, मतलब जानकर निकाल सकते हैं कि भाई उसको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है क्या, नहीं तो भाई जिंदगी भर रोना पड़ता है। देखिए 8 महीने पहले 25 लाख रुपये खर्चा करने के बाद में भी हाल उसके हो रहे, तो मैंने उनको चॉइस मतलब करने के लिए बोला कि भाई चॉइस कर लो, बाद में देखते हैं क्या करना। तो हर माँ बाप ने अपनी लड़की की शादी करने के पहले, लड़की की शादी करना है तो उसमें भी वो देखना चाहिए कि भाई हम बराबर चुन के जानकारी निकाल के प्री मैरिटल काउंसिलिंग करके, इन्वेस्टिगेशन डाउट है तो इन्वेस्टिगेशन करके शादी करना चाहिए, और यदि हम करते तो बाद में पछताने की नौबत नहीं आएगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो।